काफ़ी टफ रहा, और कॉन्सेप्ट तो हम दोनों का था, हम दोनों ने, जैसे मैं सोशल वर्क पे थोड़ा काम करती हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट भी है फैशन फॉर अ गुड चेंज, और एक प्रोजेक्ट आ रहा नारी, तो ऐसा थोड़ा सोशल इशू को मैं अपने ध्यान पे रख के अपना मॉडलिंग करती हूँ, तो मेरे को लगा कि हाँ ये कुछ हो सकता है। फिर हम लोग, हम दोनों ने डिसाइड किया, हम ऐसा कुछ नहीं कि उसने, उन्होंने अकेले ऐसा किया और मैंने अकेले, नहीं, हम दोनों ने डिसाइड किया। और फिर प्रांजल ने मुझे बोला कि एज़ अ मॉडल कोई भी वहाँ पे जाने के लिए रेडी नहीं होती, पर तुम हो गए। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरा एम ही यही है, और चैलेंजिंग तो काफ़ी रहता, जैसे मैंने बताया मुझे स्किन एलर्जी भी थी, घर आके मुझे मेरे पापा ने बोला भी कि क्या तुम कचड़े वचड़े में शूट कर रही हो, तुमको अपने हेल्थ का ख्याल नहीं है, हॉस्टल में अकेले रहती हो, कुछ हो जाएगा, तो वो थोड़े पॉजिटिव है, तो वो काफ़ी टेंशन में थे। मैंने कहा कि पापा कोई बात नहीं, होगा, देखा जाएगा। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी मुझे, वो 2-3 दिन में मेरा एलर्जी ठीक हो गया था, पर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैं अभी झारखंड को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ मिस्टीन डीवा पे, मिस्टीन इंडिया पे, तो उसके लिए हम लोगों को पोर्टफोलियो शूट करना था, हम लोग गए हुए थे, फिर हम लोग वहाँ से गुजरे, तो फिर हम लोगों ने देखा ये सारी चीज़ें, फिर हम लोग घर आ गए थे, हम लोगों ने बातें की प्रांजल से, हमारी बातें हुई, फिर हम लोगों ने थोड़ा डिसाइड किया कि इस पर कुछ करना होगा, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक है ये तो मेरे को लगता है बस एक ट्रेलर है, इसके आगे की मूवी अभी बाकी, अगर हम लोग अभी भी सतर्क नहीं होते हैं, अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाते हैं, तो अभी और भी बड़ा पेंडेमिक आ सकता है, जो कि हम लोगों के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होगा। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, हम दोनों ने फिर डिसाइड किया वहाँ शूट करना। वहाँ जाने के बाद तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा था, क्योंकि बारिश हुई थी तो कचरा गीला था, तो वहाँ पर चलना बहुत ही मुश्किल था, आप सोच सकते हो, जहाँ पर लोग गुजरते हैं तो अपना अपनी कार के विंडोज़ बंद कर लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, वहाँ पर जाके, वो भी बारिश के टाइम पर। नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी 12th में हूँ, मेरा 12th हो रहा है अभी, और बस है, एक इंटरेस्ट है मॉडलिंग में, एम है मेरा मॉडलिंग, क्योंकि मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास सोसाइटी से, जहाँ पर फैशन को बहुत छोटी नज़र से देखा जाता है, फैशन अच्छी चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ हमें सिखाया जाता है, पर बचपन से ही मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, पर मतलब लोगों को सुना मैंने, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ हटकर करना होगा, जिससे फैशन एक अच्छे पोजीशन पे आए, लोगों के मेंटालिटी पे फ़र्क पड़े। मैं अकेली, मैं थोड़े रहना पसंद करती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, तो फ्रेंड्स का तो नहीं उतना, जो 2-3 है वो काफ़ी खुश है, और मेरी मदर नहीं है, शी पास्ड अवे इन जनवरी, तो पापा काफ़ी, जब से मम्मी का ऐसा हुआ तो पापा काफ़ी अपसेट थे, ही वॉज फीलिंग अ बिट लो, बट जैसे अभी वो देख रहे हैं कि न्यूज़ में, तो ही इज़ वेरी प्राउड। और जब मैं स्टार्ट कर रही थी अपना मॉडलिंग, तो माई फादर वॉज लाइक कि इसमें कुछ भी नहीं है, यू कॉन्ट डू एनी थिंग इन दिस फील्ड, पढ़ाई करो, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही वैसी है कि अगर लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है तो या तो शादी के लिए या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे सपोर्ट नहीं किया मेरे पेरेंट्स ने, स्टार्टिंग में मुझे उनको समझाना पड़ा, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा कि मैं कैपेबल हूँ, उसके बाद उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और अब वो काफ़ी प्राउड है, और मम्मा के जाने के बाद अब उनको थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि मम्मा होती है ना, एक नारी घर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट फीमेल जो होती है ना, वो घर को संभाल कर रखती है। उनके जाने के बाद पापा को काफ़ी टेंशन थी कि हम 3 भाई बहन हैं, एक भाई है, 2 बहन है मेरी, मतलब मैं एक और एक बहन, तो हम 3 भाई बहन हैं, तो पापा को काफ़ी टेंशन थी मेरी कि तुम बड़ी हो, तुम अगर कुछ नहीं कर पाओगी तो इनको कौन देखेगा, तो अभी उनको थोड़ी राहत है कि हाँ, हमारी बच्ची कुछ ना कुछ तो कर देंगे। जो हमारे रिंग रोड है उसके बाहर के एरिया को ग्रीन फील्ड घोषित किया गया है, जहाँ पे ग्रीनरी होनी चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, और उस जगह पे एक ऐसा डंपिंग लैंडफिल बनते जा रहा है, एक पहाड़ बनते जा रहा है, जहाँ से हम लोग गुजरते हैं, ब्यूटीफुल रिंग रोड है जहाँ पे लोग ड्राइव पे जाते हैं, और ऐसी चीज़ पहाड़ है जहाँ पे हम लोग विंडो क्लोज कर देते हैं, नाक बंद कर देते हैं, बट वो एक सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ को इग्नोर करके चल देने का। तो बीइंग अ फोटोग्राफर, मेरे पास पोटेंशियल यही था कि मैं उस जगह पे कुछ ऐसा करूं, शूट करूं, जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से मैसेज पहुंचा सकूं अपने ऑडियंस से, अपने रांची के जनता से, या फिर लोगों तक कि ऐसी चीज़ बन रही है जिसको आप लोग छोड़ के अपने डेली लाइफ पे हो।
तो हमने इसलिए वहाँ पे सूट का प्लान किया, और फैशन सूट इसलिए चूज़ किया कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ग्रैब करना था। अगर हम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री करते या फिर उस पर एक फिल्म बनाते तो शायद उसको एक सिर्फ एक इशू की तरह लेकर उसे छोड़ दिया जाता, बट जब यहाँ पे एक चैलेंज की तरह लोग देखना चाहे कि जहाँ से गुजरना मुश्किल है वहाँ पर इसने सूट किया है, तो हर चीज़ का एक आदत बना देते हैं। जब हम लोग वहाँ से गुजरते हैं तो पहली बार अगर साफ़ सुथरी जगह में कुछ कचरा फेंका हुआ देखते तो हम लोग बोलते हैं यहाँ कचरा फेंका हुआ, वो हर दिन देखने लगेंगे तो एक आदत बन जाएगा। वैसे वहाँ रहकर वो स्मेल का भी आदत हो गया, वहाँ लोग रहते हैं। और जब हमने 4 घंटे शूट किया वहाँ पे, काफ़ी चैलेंजिंग था, बहुत मुश्किल था, बट उस चीज़ का आदत नहीं बनाना है कि हम लोग इस चीज़ का हैबिट बना लिए कि वहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो फेंका ही जाता है। इसका एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए, एक मैनेजमेंट होना चाहिए, एक रिसर्च होना चाहिए। हम लोग किसी एक दूसरे सिटी के मॉडल्स को लेकर उठा के गार्बेज मैनेजमेंट नहीं कर सकते। हर सिटी का अपना फिजिबिलिटी होता है, गार्बेज का एक कैटेगरी है, उसको गीला कचरा, सूखा कचरा, सबको सेग्रीगेट करके करना, तो था टफ, बहुत ज़्यादा ही टफ था। और आज भी वो चीज़ को फील करते हैं कि वो स्मेल अभी भी आता है, वो याद करने से उस जगह का।